सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, 2 मिनट के बाद क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तब तक हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सहारा के बारे में, सहारा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था कि एक साहेल वर्ड याद रखना है, जो सेमी एरिड रीजन था, ग्रासलैंड टाइप के जो पैटर्न होते हैं, ठीक है। एक अर्ग वर्ड बताया था, जहाँ पर सैंड वाला पार्ट मिलता है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। और एक हम लोगों ने हमाडा वर्ड देखा था, जहाँ पे स्टोनी वाला पोर्शन मिलता है। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, आई थिंक मैं 1-2 मिनट पहले हूँ थोड़ा सा। आज तो अफ्रीका हम लोगों का हो चुका था, जिसमें रिवर रह गई है ना, मतलब लेक, माउंटेन, इन सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग शुरू करते हैं। आई थिंक सब आ गए हैं, टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए, सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आ गया था, आई थिंक 2 मिनट पहले आ गया था, कुछ मिस नहीं किया है, ठीक है, सब नॉर्मल टाइम पे हैं। चलिए, अब जो है, आपको पता है कि हम लोग ये रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है। रिवीजन सीरीज में हम लोग अफ्रीका डिस्कस कर रहे थे। अफ्रीका में क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग, कुछ आइडिया होगा आप लोगों को। अफ्रीका में वी हैव डिस्कस्ड लेक्स, ठीक है, पूरे माउंटेन्स, उसके बाद में आपको याद हो तो पोर्ट्स वगैरह पूरे जो डिस्कस कर लिए थे। रिवर नहीं की थी जहाँ तक मुझे याद है, रिवर्स हम लोग की जो है वो रह गई थी इसमें, है ना। चलिए चलिए, ठीक है। रिवर की कहानी को जो है शुरू करेंगे, और उसके पहले अनअकैडमी प्लस पर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरे इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें, सीधा 10% ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है। SUDYT10, इसको इस्तेमाल करने से सीधा 10% ऑफ सब्सक्रिप्शन में, और जो भी रिलेटेड डाउट हो आपके सब्सक्रिप्शन में दौरान आप पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जब तक रहेगा तब तक आप किसी भी कोर्स के किसी भी वीडियो को जो है एक्सेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, MCQ सेशंस ले सकते हैं, प्लस जो है आप जितने भी क्विजेस वगैरह हैं सब कुछ अटेंड कर सकते हैं, लाइव प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। अफ्रीका की नदियों से हमें आज डिस्कशन शुरू करना है, तो चलिए एटलस ओपन कर लेंगे सभी लोग तब तक। जी हाँ, बिल्कुल। एटलस ओपन उम्मीद कर रहा हूँ कि कर ही ली होगी तब तक, तो आप लोगों ने सब जो है, तो ये अफ्रीका की कहानी में आ गए हैं हम लोग। अब अफ्रीका में जो है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अफ्रीका को जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, और इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ अभी हम लोग इस हिस्से को पढ़ने वाले हैं अफ्रीका के, इस वाले मतलब इस इन द सेंस कि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो बीच का हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जी हाँ, सो नॉर्थ ईस्ट वाले जोन जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा जूम करके वहाँ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर एक रिवर। पहले तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको एक लेक पढ़ाया था, लेक विक्टोरिया, जहाँ से इक्वेटर लाइन जो है वो पास हो रही थी सर। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? लेक जो विक्टोरिया, याद होगा आप लोगों को, जहाँ से इक्वेटर लाइन जो है टच कर रही थी, ये चीज़ आपको पता होगी। जी हाँ बिल्कुल। लेक विक्टोरिया से शुरू होती है सर एक रिवर जिसका नाम है वाइट नाइल रिवर। ठीक है, विक्टोरिया से एक रिवर शुरू होती है जिसका नाम है वाइट नाइल रिवर। अपनी एटलस में आप लोग देख लेंगे वाइट नाइल। ठीक है, वाइट नाइल के साथ आपको मैंने इसके पहले ताना लेक भी पढ़ाया था, और ताना लेक की जो शुरुआत आप देखते हो वो होती है जो है ब्लू नाइल से। ताना से जो शुरुआत होते हो उसको जनरली हम कहते हैं ब्लू नाइल से शुरुआत होती है, मतलब ब्लू नाइल की शुरुआत होगी। इधर नीचे लेक विक्टोरिया से जो शुरू हुई थी वो वाइट नाइल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो एक तरफ ब्लू नाइल, एक तरफ वाइट नाइल, इधर से ये जो है ये वाइट नाइल हो गई। ठीक, अब आपको पता है खार्तूम सूडान का कैपिटल, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इधर देखेंगे, आपको मैंने विक्टोरिया लेक पढ़ाया था, आपको मैंने लेक ताना पढ़ाया था। ठीक है, तो विक्टोरिया से जो है एक रिवर की शुरुआत हुई, नाम उसका क्या होगा? तो नाम अपने को पता ही है, नाम जो है वो वाइट नाइल रिवर याद रखना है अपने को। ठीक है, और ताना से अपने को याद रखना है ब्लू नाइल। ठीक है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल का मर्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा खार्तूम में, खार्तूम में आपको देखने को मिलेगा। यस बिल्कुल, और खार्तूम में जैसे ही मिलेगा तो खार्तूम से ये नाइल बन जाती है, इसको नाइल बोलने लगते हैं। फिर आपको याद होगा मैंने लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर एक लेक था, याद होगा आपको लेक, कौन बताएगा नाम लेक का? भैया जल्दी बताएंगे लेक का नेम, बताएंगे लेक का? जी हाँ, लेक का जो नेम था वो था नासेर लेक। ठीक है, नॉट नयासा, नासेर, वो मालावी वाला है। नासेर के बाद एक डैम था यहाँ पर, आसवान डैम। ठीक है, इधर देख लो आराम से, और जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो इस रिवर पर जो है लेक नासिर दिखाई देगा, और लेक नासिर के पास आपको एक डैम दिखाई देगा, एंड दैट इज आसवान डैम। ठीक है, आसवान डैम से और ऊपर जाओगे तो फाइनली फिर आपको आसवान डैम से जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये एक पोर्ट दिखाई देगा, नाम है उसका अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। आसवान डैम के ऊपर जाओगे और ये जो है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट दिखाई देगा, कायरो यहीं पर प्लेस आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल हुआ, इस रिवर की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। विक्टोरिया लेक बनाना है, ताना बनाना है, ताना से ब्लू नाइल की शुरुआत करनी है, विक्टोरिया से जो है आपको एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ से हम लोग वाइट नाइल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, दोनों को हम लोग खार्तुम में मिला देंगे, खार्तुम के बाद आगे जाके इसका एक लेक पढ़ लेंगे, दैट इज़ नासेर, नासेर के बाद एक डैम पढ़ लेंगे, दैट इज़ आसवान डैम, इजिप्ट की कैपिटल इसी के किनारों मिलेगी कैरो, उसके बाद एक पोर्ट पढ़ लेंगे, दैट इज़ अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ये हो गई आपकी नाइल रिवर साफ। ठीक है, भूलना, खार्तूम के बाद नासेर के बाद आसवान, आसवान के बाद कायरो, कायरो के बाद अलेक्जेंड्रिया। सीखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर स्वेज कैनाल का जो पोर्ट है, दैट इज पोर्ट सईद, उसको याद रख, भूलना मत, पोर्ट सईद को अच्छे से याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी एक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी, अताबरा, अताबरा करके रिवर मिलेगी, देखो जरा ये देखो, अताबरा करके एक रिवर मिलेगी, इसकी ट्रिब्यूटरी है वो ATBARA, ये दो, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, जो इधर ही आपके रसदाशन के नज़दीक से शुरू होके आ रही है, रसदाशन के नज़दीक से शुरू होके इधर से आती है। ठीक है, चलो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना रिवर नाइल के बारे में। आगे चलते हैं अब हम लोग, यहाँ तक तो सीख लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक रिवर है, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आंसर आपको देना है। एक रिवर अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, और वो रिवर जो रहेगी इक्वेटर को दो बार टच करती है,
इधर कटंगा प्लेट्यू से शुरू होके, कटंगा प्लेट्यू से शुरू होकर इक्वेटर को 2 बार टच करती है, इक्वेटर को 2 बार टच करती है, इक्वेटर को 2 बार टच करेगी, कट करेगी जो बोलना हो, इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, 2 बार। सो कॉन्गो रिवर, रिवर का नाम जो है कॉन्गो बेसिन भी कह रहा है उसको, तो कॉन्गो बेसिन मतलब वो तो रीजन है पूरी नदी का, बट द नेम ऑफ दैट रिवर इज कॉन्गो, कॉन्गो रिवर। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि इक्वेटर लाइन को 2 बार टच करने वाली रिवर जो है वो कौन सी है, तो याद रखेंगे आप कॉन्गो रिवर, इट इज ऑल्सो नोन एज जायरे रिवर, जायरे रिवर भी कह रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इसी नज़दीक यहाँ पर आप देखना एक वाटरफॉल मिलेगा आपके एटलस में, या तो बोयोमा मिल जाएगा या आपको स्टेनले वाटरफॉल मिलेगा, स्टेनले, स्टेनले वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो कॉन्गो को याद रखिएगा, भूलना मत, कॉन्गो या तो जायरे, इट इज रिलेटेड विद द रिवर, ऐसी रिवर है ये जो जहाँ से इक्वेटर को जो है 2 बार टच करती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेटर को 2 बार टच कर रही है। नाइल का तो बचपन का एक फैक्ट वैसे भी आपको आइडिया होगा, जीवन का पहला फैक्ट दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो आंसर आपका नाइल हो जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूरी मैंने पढ़ा दी है आप लोगों को। सो इक्वेटर को 2 बार टच करने वाली रिवर हो गई कॉन्गो, कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज जायरे, ठीक है। इसका एक वो याद रख लेना वाटरफॉल नाम, उसका वाटरफॉल का क्या बताया मैंने, या तो वो बोयोमा याद रखेगा या तो फिर आपको इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेनले, स्टेनले वाटरफॉल, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें इसके जोन में, इसके रीजन में आपको एक ट्राइब मिलती है, कॉन्गो बेसिन के क्षेत्रों में एक ट्राइब मिलती है, नाम है उसका पिगमी ट्राइब, ठीक, पिगमी देखने को मिलेगा। तो पिगमी ट्राइब याद रखिएगा कॉन्गो बेसिन में, एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन है, इक्वेटर पर रोज बारिश होती है। चलिए, दो नदियों का जो है अच्छे से हमें आइडिया हो गया है। बोयोमा वाटरफॉल है, वाटरफॉल है बोयोमा, ठीक है जी, हाँ भूलना मत। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट कहानी को आगे बढ़ाया जाए। आगे चलते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये होने के बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको जो है थोड़ा साउथ में आप जाओ, पहले तो 2 देश के बीच में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में आपको जाना है। चलिए, वो तो पिग्मी हॉग था भैया, पिग्मी हॉग से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है हाँ। एक अगला क्वेश्चन है, अ रिवर विच मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बना रही है, एक नेचुरल बाउंड्री बना रही है, रिवर का नाम बताएंगे आप सभी लोग, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में आपको जो है एक रिवर देखनी है वो मिल जाएगी, देखो जरा जल्दी से। जी हाँ, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक रिवर देखनी है, दैट इज जाम्बेजी। और यहीं पर एक लेक, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लेक करीबा, लेक करीबा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, हाँ ठीक है। तो लेक करीबा, इनफैक्ट यदि आज इसकी सर्च करोगे तो गूगल पे भी ये बोलता है कि भाई वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड लेक, ठीक है, मैनमेड लेक मतलब मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा लेक बोलते हैं इसको। खैर ठीक है, ऐसे कोई जहरीले फैक्ट आपके लिए नहीं आएंगे, बाकी इतना याद रखें कि अफ्रीका में सबसे बड़ा मैनमेड लेक भी तो है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत किया जाता है यहाँ पर, आप इतना नॉर्मल याद रख सकते हैं, ठीक है। सो याद रखें, जाम्बेजी रिवर हो गई। नेक्स्ट इसके बाद देखना जरा, यहाँ पे आसवान डैम दिखाई देगा आपको, सॉरी आसवान नहीं, जाम्बेजी रिवर पर जो है आपको एक तो करीबा लेक, उसी के नाम से करीबा डैम, करीबा लेक, करीबा डैम, प्लस एक वाटरफॉल दिखाई देगा, एंड दैट इज विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल याद रखना, भूलना मत,
विक्टोरिया, विक्टोरिया वाटरफॉल। आवाज क्लियर है मेरी? सब लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ तो शाहीन एकेडमी जी, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, वॉइस जो है आपके एंड से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे एंड से सब कुछ सही है, ठीक है, परेशान मत होइए इतनी बार कॉपी पेस्ट करके। चलिए चलिए, हाँ तो याद रखना है आपको, जैसे बात करें हम लोग उस रिवर की, तो रिवर का नाम था जाम्बेजी रिवर, ठीक है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, जिम्बाब्वे के बीच में। वाटरफॉल का नाम याद रखना है, दैट इज विक्टोरिया वाटरफॉल। और प्लीज याद रखेंगे एक चीज और, कि कॉन्गो का मैच द कॉलम जो होगा स्टेनले या बोयोमा से होगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, स्टेनले और बोयोमा, ठीक है। और कॉन्गो के साथ जो है आपका ये जाम्बेजी की बात करें तो फिर इसका मैच द कॉलम विक्टोरिया के साथ आएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ। चलिए तीन रिवर हो गई हैं आपकी अफ्रीका की, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए चलिए चलिए, रुकना नहीं है। अब आपको अगली एक लाइन दिखाई दे रही होगी, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जैसे वो इक्वेटर से कॉन्गो कैसे गुजर गई थी, वैसे कैप्रिकॉन से भी दो बार गुजरेगी एक रिवर है सर, बड़ी महत्वपूर्ण रिवर है, याद रखना है अपने को इसको। यस द आंसर इज लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर के बारे में पढ़ना है अपने को, जी हाँ लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर को याद रखना है, भूलना नहीं। सो जो है लिम्पोपो रिवर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लिम्पोपो रिवर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी कि इसका एक क्वेश्चन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का तो आएगा ही आएगा, बट एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साउथ अफ्रीका जो देश दिखाई दे रहा है आपको, साउथ अफ्रीका जो देश दिखाई दे रहा है, साउथ अफ्रीका सेपरेट्स विद बोट्सवाना एंड जिम्बाब्वे, मतलब साउथ अफ्रीका बोट्सवाना और जिम्बाब्वे, आई रिपीट, साउथ अफ्रीका बोट्सवाना एंड जिम्बाब्वे, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, साउथ अफ्रीका बोट्सवाना जिम्बाब्वे के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, उस रिवर का नाम है लिम्पोपो, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को टच कर रही है, भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन आपके लिए, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाएगी, एक रिवर है जो इसको ऑरेंज कह रहे हैं हम लोग, ऑरेंज कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना ऑरेंज, ऑरेंज को याद रखना, महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा, इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है ऑरेंज रिवर जो है किसके बीच में मिलेगी आपको, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में मिलेगी, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में मिलेगी ऑरेंज रिवर, ठीक है। माइंड मैप बनाना हो तो यदि आपके सामने अफ्रीका का मैप आपको याद आता है तो तुरंत जो है ऐसी कुछ लाइंस आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जिसको आप नाइल रिवर कहते हो, एक कुछ ऐसी रिवर की लाइन ऐसे आपके उसमें आ जानी चाहिए जिसको आप कॉन्गो कहते हो, एक कुछ इस तरह से आनी चाहिए जिसको आपने जाम्बेजी कहा, और एक ऐसी आनी चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार टच कर रही थी जिसको आपने लिम्पोपो बोला, और एक और ऐसी आनी चाहिए जिसको आपने ऑरेंज बोला जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में है। ठीक है, आ गई बात समझ में, भूलना नहीं है सर, महत्वपूर्ण है ये काफी ज्यादा, तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, इधर आएंगे यहाँ पर इस जोन में।
इस रीजन में जैसे ही आएंगे आप, तो इस रीजन में जरा बढ़ते हैं आगे। अगली एक रिवर है, नाम है इसका नाइजर रिवर, नाम है नाइजर, जो उधर पूरे गिनिया और नाइजर और माली और नाइजीरिया से होते हुए आ रही है। ठीक है, इनफैक्ट दुनिया की डीपेस्ट रिवर में कोंगो को शुमार किया जाता है, कोंगो को नाम याद किया जाता है, कोंगो दुनिया की डीपेस्ट रिवर में। ठीक है, चलिए तो भैया याद करेंगे नाइजर नदी के बारे में, महत्वपूर्ण है काफी ज्यादा नाइजर रिवर, वही आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा। नाइजर रिवर क्यों याद रखना है, तो नाइजर रिवर इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित हमें पोर्ट पढ़ना है, पोर्ट, और पोर्ट का नाम जो है वो क्या है, नाइजर रिवर का पोर्ट आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये लो पोर्ट हारकोर्ट, पोर्ट हारकोर्ट को याद रखना है, भूलना नहीं है। सो पोर्ट हारकोर्ट काफी महत्वपूर्ण हो गया है यहाँ पर, पोर्ट हारकोर्ट कभी पूछे तो इट इज रिलेटेड विद विच रिवर, इट इज रिलेटेड विद नाइजर रिवर। ओके चलो, तो ये आपके सामने बना देता हूँ मैं एक बार फाइनल पूरा कंप्लीट मैप, जितनी आपको रिवर याद करनी हो इसमें से कर लीजिएगा। एक नाइल रिवर यहाँ पढ़ ली पूरी डिटेल हम लोगों ने, एक कोंगो रिवर पढ़ी हम लोगों ने, एक जाम्बेजी रिवर पढ़ी हम लोगों ने, एक लिम्पोपो रिवर हम लोगों ने पढ़ी, एक ऑरेंज रिवर हमने पढ़ी, एक नाइजर रिवर पढ़ी। नाइजर रिवर का माउथ याद रखना, पोर्ट हारकोर्ट। ठीक है चलो, भूलना नहीं इसको। अब ये तो आपको समझ में आ गया, तो अब तक जो मेरा सेशन अफ्रीका से रिलेटेड चलता है TTS में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को डेली 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, जिसमें अब तक हमने इस महीने में शुरू जो किया था वो अफ्रीका से कहानी को शुरू किया था। अफ्रीका में तीसरी क्लास है ये, जिसमें अफ्रीका की कंप्लीट पॉलिटिकल नॉलेज प्लस हमने इसमें पूरा जो है लेक्स, पूरे रिवर्स, पूरे माउंटेन्स, पूरे जितने भी एक तरह से आप कह सकते हो कि डेजर्ट्स, उनको हम लोगों ने याद किया। अब हम लोग बस ग्रासलैंड पढ़ने के बाद नेक्स्ट फिर अगले कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम लोग यूरोप की शुरुआत करने वाले हैं, उसके पहले अफ्रीका के ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है चलिए, सो अफ्रीका के ग्रासलैंड की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका के ग्रासलैंड में याद करना है आप लोगों को, ये सूडान एक देश पढ़ा था हम लोगों ने, आपको याद हो तो। ठीक है, सूडान के क्षेत्रों में देखो भैया, ट्रिक जॉर्ज फिलिप ट्रिक से अच्छा है आप पेन कॉपी साथ में रखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबकी ट्रिक याद करोगे तो एग्जाम में सब ट्रिक याद रहेंगी, मेन कंटेंट वैसे भूल जाओगे। ठीक है, बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, मैपिंग का हिस्सा है। तो सूडान में आपको एक ग्रासलैंड याद करना है, नेम ऑफ दैट ग्रासलैंड इज सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड याद करना है। ठीक है, सवाना को याद रखना है, भूलना मत सूडान के क्षेत्र में सवाना। अब इनमें क्या है, क्वेश्चन की बड़ी समस्या है आने वाली। क्या है क्वेश्चन की समस्या, ये देखो, आपको पता है मैप में एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक आपको पता है इक्वेटर होती है, एक आपको पता है कैप्रिकॉन होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो तीनों जो हैं, ठीक है, ये जो तीनों लाइन के बीच के जो जोन होते हैं उनको मालूम है कि ये रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंध के क्षेत्रों में आते हैं, सनलाइट जो है आपके इस रीजन में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इस जोन को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस जोन में सर ने कोई भी ग्रासलैंड यदि पढ़ाया, कोई भी ग्रासलैंड यदि सर इस जोन में पढ़ाते हैं तो वो ग्रासलैंड का टाइप क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल हो जाएगा। और इसी बात पे अभी मैंने आपको समझाया कि सूडान का जो ग्रासलैंड है, ठीक है, एटलस में नहीं मिलेगा लिखना होगा, सूडान का जो ग्रासलैंड है वो सवाना है, तो सवाना ऑफ कोर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंडर में आ रहा है, इट मीन्स दैट कि सवाना ग्रासलैंड जो हुआ वो ट्रॉपिकल टाइप का हो गया, वो जो टाइप हुआ वो किस टाइप का हुआ, ट्रॉपिकल हो गया ना। जी हाँ, इस बात को अपने को याद रखना है अच्छे से। ऐसे ही जो है इधर आप जब जाओगे तो साउथ में, साउथ में आपको यहाँ पर जो है
वेल्ड्स मिलेगा साउथ अफ्रीका में, जो है साउथ अफ्रीका के जोन में आपको याद रखना है वेल्ड्स, ठीक है, वेल्ड्स, साउथ अफ्रीका के जोन में आपको याद रखना है वेल्ड्स, बट वेल्ड्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट। और सवाना जो होंगे आपके, सवाना जो होंगे वो होंगे ट्रॉपिकल, ठीक है, सवाना जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रॉपिकल होंगे। 10 याद रख लीजिएगा, भूलना मत। तो ये लगभग 2 ढाई दिन 3 दिन की जो क्लास थी हमारी अफ्रीका से संबंधित थी, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं यूरोप को, ठीक है, पढ़ लें यूरोप। और कुछ पढ़ना है, पढ़ना तो सभी कॉन्टिनेंट है, कभी पढ़ लो, आगे पढ़ लो, पहले पढ़ लो, थोड़े टफ वाले मैं सोच रहा हूँ पहले इस बार शुरू कर दिए जाए, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा, जो नए लर्नर्स जुड़े हैं मुझसे इस बार, है ना। चलिए चलिए, पढ़ते रहिए, सब लोग पढ़ते रहिए बढ़िया इसी तरह से। तो यूरोप का मैप ओपन कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिए, मैं भी कुछ स्क्रीन पर यूरोप जैसी चीज़ों को ले आता हूँ तो सही रहेगा थोड़ा सा। चलिए, सूडान, सवाना का लोकेशन सूडान। हेमंत कुमार साहू, यूट्यूब पर क्लास मेरी अल्टरनेट ही हो पाएगी, परेशान नहीं होइए आप, ठीक है, और डेली आपको वहाँ एकेडमी पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, सो उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोगों का विंड की तो हो गई है क्लास, हम लोग की जो एक क्लास रह गई थी वो आई थिंक मैं कवर करा चुका हूँ, विंड हो गया, जो एक क्लास रह गई थी वो मैं कवर करा चुका हूँ, उसको चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे देख लो, मिल जाएगी लिंक उसकी। चलिए, सो जी हाँ बिल्कुल, तो यूरोप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला काम आप हमेशा ये करें कि यूरोप को जो है, हाँ, यूरोप को दुनिया से पहले अलग कर लीजिए आप, ठीक है, दुनिया से अलग कर लीजिए, मतलब प्लीज ध्यान से सुनेंगे आप, आपको पता होना चाहिए कि यूरोप की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो आप अपने एटलस में देख पा रहे होंगे कि ये एक बड़ा सा देश इधर से आया है लग रहा है जो है, ठीक है, रशिया करके, बट रशिया जो है आधा इधर यूरोप में है और आधा उधर, जब जाओगे आप वर्ल्ड मैप में, मतलब मैं आपको यहाँ बताऊँ तो ये पूरा जो जोन है ये रशिया का है, मान लो दिस इज रशिया, बट इसका इतना हिस्सा जो है ये यूरोप में है और इधर वाला जो एशिया में। तो आपको अपने एटलस के मैप में जरा देखना है यूराल पर्वत, एक यूराल पर्वत को देखते से बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है जी हाँ। यूराल को देखते से फायदा इसलिए होने वाला है बिल्कुल, कि यूराल से हमें ये पता लग जाएगा कि भैया इसके इधर ही यूरोपियन रीजन है, इधर हमें एशिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यूराल को याद रखिएगा, भूलना मत, यूराल बहुत ज्यादा काम की चीज है अपने लिए, यूराल माउंटेन दुनिया के पुराने पर्वतों में गिनती आती है भले ही इनकी फोल्ड पर्वतों में, बाकी अपने लिए अभी काम क्यों हो गए, ये यूराल अपने याद कर लिया, ठीक है, कि यूराल भैया एक बाउंड्री बना रहा है। ओके ठीक, डन। अब कजाकिस्तान को एशिया में तो नहीं लेंगे, मतलब यूरोप में तो नहीं लोगे आप लोग इनडायरेक्टली, फिर हमें कैस्पियन सी की एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि भैया कैस्पियन सी से इधर वाला हिस्सा रशिया का जो है वो यूरोप का है और उधर बाकी की सब कहानी एशिया की रहेगी, तो कैस्पियन सी एक बाउंड्री हो गई आपके लिए, तो ठीक है, लाइन भी बनी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैप में। इधर जैसे ही आओगे आप कैस्पियन सी को छोड़ के, तो यहाँ आपने देखना एक माउंटेन और मिलेंगे आपको, फिजिकल मैप में जरा चेक करो, फिजिकल वाले मैप में एक बार चेक करना, यहाँ एक पर्वत और दिखाई देगा आपको, फिजिकल वाले मैप जो है उसमें कॉकेशस लिखा रहेगा, कॉकेशस करके लिखा रहेगा, देखो जरा चेक करो, मैं भी देख लेता हूँ एटलस में बताता हूँ आपको, शायद मेरे पास अभी उसकी इमेज अवेलेबल हो तो। ये देखो
ब्लैक सी, लोकेशन देख लो उसकी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में मिलेगा कॉकेशस माउंटेन। तो वो कॉकेशस माउंटेन जो है वो अपने लिए एक बाउंड्री का काम कर रहा है कि भैया ये एक नेचुरल बाउंड्री है यूरोप और एशिया के बीच में। ब्लैक सी एक नेचुरल बाउंड्री हो गई क्योंकि ब्लैक सी का इधर ये एशिया माइनर वाला रीजन, मतलब ये अपना टर्की, टर्की का जो क्षेत्र है वो लग जाएगा इधर, है कि नहीं। चलो इधर और देख लो आगे, जरा चल के एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो मतलब वर्ल्ड मैप में, ये यूरोपियन मैप में आपको मैं ले जाऊँ, यदि छोटे वाले मैप की शुरुआत करें हम लोग तो। एक मिनट रुकिएगा, ये देखो यहाँ पे आपको याद रखना यूराल, ठीक है, इसके बाद कैस्पियन, कॉकेशस, ब्लैक सी, इससे आपकी इधर पिक्चर आउट हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। इधर तो आपको पता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वाली कहानी, ठीक है, डन। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान देना, एटलस में यूराल का पर्वत जो है, कैस्पियन सी और आपका ये एक यहाँ पर कॉकेशस, कॉकेशस माउंटेन और ब्लैक सी, ये तो जोन हो गया आपका यूरोप का, और ये इधर हो गया आपका पूरा एशिया वाला। आगे जाओगे तो अफ्रीका से अलग कराना हो तो मेडिटेरेनियन सी आपको हेल्प करेगा, आगे जाओगे तो मेडिटेरेनियन सी है, आगे जैसे ही जाओगे तो मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी को याद रखना, मेडिटेरेनियन सी के नीचे जितना भी जाओगे सब अफ्रीका हो गया। तो पहले तो बाउंड्री थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने को, है ना। तो यूराल, कैस्पियन, कॉकेशस, ब्लैक, यूराल, कैस्पियन, कॉकेशस, ब्लैक, यूरोप एंड एशिया। आई रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूँ, यूराल, कैस्पियन, कॉकेशस, ब्लैक, ये सब कहाँ जाएंगे, एशिया और यूरोप के, मेडिटेरेनियन, जिब्राल्टर, एशिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। बन गया माइंड मैप, माइंड मैप बना कि नहीं, दिमाग में बैठ गई चीज़ें कि मेडिटेरेनियन और ये जिब्राल्टर ये इधर की कहानी है और ये सब ऐसा इस तरह से जरूरी है सर वो, मतलब क्या है, नहीं तो फिर क्या है कि चीज़ें कुछ याद होती हैं कुछ याद नहीं होती हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना है। चलें आगे, शुरू करते हैं, एक एक देश पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, और चीज़ें याद करेंगे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन है ना, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब चल रहा है कर लेंगे याद, हो तो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आपका होने के बाद यहाँ से चलते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले प्लीज सभी लर्नर्स जो ध्यान देंगे, जिनको थोड़ा सा मैप का कम आइडिया है वो प्लीज आप यहाँ पर फोकस करेंगे, मैं इस हिस्से को जूम करने वाला हूँ, ठीक है, इस हिस्से को हम लोग जूम करने वाले हैं। चलो तो ये कर दिया जूम मैंने, सबसे पहले नॉर्वे दिखाई दे रहा होगा आपको, नॉर्वे का कैपिटल, जो लर्नर प्लीज ध्यान सुनेंगे, जो लर्नर को किसी भी कंट्री की कैपिटल यदि याद नहीं है तो उसको आप लिखते चलें साथ में, ठीक है जी हाँ। तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, जल्दी से देखेंगे, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी, हाँ ओस्लो स्टॉकहोम फिनलैंड हेलसिंकी, लैंडमास सिंक हो गया है, ठीक है, लैंडमास जो है, लैंड फिनलैंड का लैंड जो है वो सिंक हो गया, अंदर चला गया है, फिनलैंड हेलसिंकी, स्वीडन, स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना, बहुत ज्यादा स्वेट है, पसीना है, स्टॉक में है, स्वेडन स्टॉक होम, हाँ जी, नॉर्वे, नॉर्वे ओस्लो, ठीक है याद रखिएगा, तो नॉर्वे ओस्लो, स्वेडन स्टॉक होम, फिनलैंड हेलसिंकी, भूलोगे तो नहीं। अगला क्वेश्चन आप ही के ऊपर आ रहा है, पहला क्वेश्चन, ओस्लो स्टॉक होम हेलसिंकी तीनों कैपिटल में से नॉर्थ में कौन सा है, तीनों कैपिटल में से नॉर्थ में
कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, तीनों कैपिटल में से नॉर्थ में आपको कौन सा मिलेगा, नॉर्थ तीनों में से। देखो जल्दी से, देखने को तो ओस्लो दिखाई दे रहा होगा, पर मैं अब कह रहा हूं कि आप लैटिट्यूड को देख के बोलना, है ना, ये जो लैटिट्यूड है ना इसको देख के बोलना। जूम कर देता हूं आपके लिए मैं, ये लो आप देखना जरा, आप बोलना। हाँ बता दा मुझे। नहीं, सर आप ओस्लो नहीं होगा, आप तो हेलसिंकी होगा, यू नो। हाँ तो जो दिखता है वैसा नहीं होता है, इसलिए लेटिट्यूड की सहायता लें। हाँ समझ गए जी सर। तो दिख तो हमें रहा था कि ओस्लो ऊपर होगा, बट हेलसिंकी ऊपर निकल आया, सो इसीलिए ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान से पढ़ लेना ठीक है, कि हेलसिंकी नॉर्थ में है, ओस्लो फिर साउथ में है, और सबसे साउथ में तीनों में से स्टॉकहोम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं अपन अब आइसलैंड की ओर, आइसलैंड की ओर बढ़ते हैं। आइसलैंड में रेकियाविक आपको उसकी कैपिटल मिलेगी, दुनिया की सबसे नॉर्थ में पाए जाने वाली कैपिटल, ठीक है, दुनिया की सबसे नॉर्थ में पाए जाने वाली कैपिटल को आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी हाँ, तो नॉर्थ में पाए जाने वाली जो कैपिटल है, नदन मोस्ट कैपिटल, तो याद रखिएगा रेक्यावेक, रेक्यावेक को याद रखना है, रेक्यावेक नदन मोस्ट कैपिटल, ठीक है, आइसलैंड की होगी, मतलब हमारे पूरे उत्तरी गोलार्ध में ये पृथ्वी है, मान लो सबसे नॉर्थ में ऊपर उत्तर में कोई कैपिटल है तो रिक्यावेक है। ठीक है चलिए शाबाश, गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। तो ऊपर ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वगैरह सब हो गया है, अब जो है हम लोग चलते हैं जरा डेनमार्क के बारे में पढ़ने। ठीक है चलें, जी हाँ ठीक, चलो तो डेनमार्क में पहुंचते हैं। डेनमार्क की कैपिटल, मार्क इज यूजिंग अ पेन, मार्क इज यूजिंग अ पेन मतलब कोपेनहेगन, कोपेनहेगन इसको ऐसे याद करो, डेनमार्क, डेनमार्क मार्क नाम का व्यक्ति है, पेन यूज कर रहा है, कोपेनहेगन जी हाँ। तो डेनमार्क को याद रखना है, भूलना नहीं है ठीक है। चलो ये तो हो गई यहाँ तक की कहानी, अब ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, जैसे देखो मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, जैसे आपने सुना होगा बुंदेलखंड बघेलखंड, है कि नहीं, सुना होगा कि नहीं सुना होगा, जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है, हमारे भारत के एक रीजन है, क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक सब रीजन्स है, एक तरह से सब रीजन ऐसे कि जहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक टाइज होते हैं जहाँ, ठीक है। सो इसी पैटर्न पे यूरोप के नॉर्थ वाले हिस्से में, नॉर्वे स्वीडन वाले रीजन में, देयर इज अ रीजन कॉल्ड स्कैंडिनेवियन रीजन, स्कैंडिनेवियन रीजन ठीक है, स्कैंडिनेविया रीजन जो होता है, स्कैंडिनेवियन क्या है, ये एक नॉर्थ यूरोप का एक हिस्सा है जहाँ पे हिस्टोरिकल कल्चरल लिंग्विस्टिक पैटर्न लगभग एक जैसा है, ठीक है। और इसमें मेनली आप ये कह सकते हो कि तीन क्षेत्रों को कंसिडर किया जाता है, मतलब मेनली, और भी अब फिर लोग इधर उधर फैल गए जो है, कि लोग बुंदेलखंड वाले भी अपने, ऐसा नहीं है कि कहीं और चले गए, थोड़ा बुंदेली लोग इधर उधर पहुंच गए, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि यदि कभी आपसे पूछ ले कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, कोई यदि पूछ ले आपसे कि स्कैंडिनेविया वाला जो रीजन है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो पहला प्रेफरेंस आपको देना होगा डेनमार्क, नॉर्वे और तीसरा स्वीडन को,
तीन देशों को, ठीक है, आ गई बात समझ में। प्लस समटाइम्स, समटाइम्स मतलब ये कि कभी कभी आप चाहें तो आप फिनलैंड को यूज कर लो, आइसलैंड को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली जो आपके रहेंगे वो क्या रहेंगे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। नॉट इंक्लूडेड में मैं और लिख दूं यहाँ पर अलग अलग साफ सुथरे अक्षरों में, नॉट इंक्लूडेड में हमेशा याद रखना ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड आपको मालूम है आफ्टर ऑल डेनमार्क का ही हिस्सा है, बट ग्रीनलैंड नहीं आएगा। ठीक है, सुन लिया सबने, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि नॉर्वे, मार्कर तो जो है ब्लू से अच्छा रेड ही लग रहा है यहाँ पे, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, पहला 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 प्रेफरेंस इसको दे दो, दूसरा इसको दे दो, बुरा मान जाएंगे नहीं, ठीक है। बट डेनमार्क को आप यहाँ ले तो रहे हो, पर डेनमार्क यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड में भी इसका शासन है, तो इसको कंसिडर नहीं करना, यहाँ कोई लोग नहीं रहते, ठीक है। सो ग्रीनलैंड इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कैंडिनेवियन रीजन, ठीक है भैया, समझ में आ गई बात, याद रखना। ठीक, चलो तो यहां तक याद रखिएगा, उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं, अपन इसको कंसीडर भी यदि करना है ना, तो नॉर्डिक कंट्री के नाम से कभी क्वेश्चन आए, नॉर्डिक, नॉर्डिक मींस होता है नॉर्थ, उत्तर, उत्तर यूरोप में कौन कौन है, तो सब आ जाएगा, रख लो सब, रख लो इसमें। डेनमार्क को भी कंसीडर कर लें, डेनमार्क मतलब ग्रीनलैंड को भी कंसीडर कर लें। तो सीखने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड जो है ये स्कैंडिनेवियन में नहीं आता है, नॉर्डिक देशों में आता है, ठीक, स्कैंडिनेवियन में कवर नहीं किया गया है। चलिए तो यहां तक याद रखिएगा, भूलना नहीं। अब भैया ब्रजेश, लैटिन अमेरिका एक काम करना, एकदम जल्दी यदि आपको है तो, अब सब्जेक्ट से हटके मैं आगे तो नहीं जाऊंगा, पर यही का यही वर्ड आप गूगल पर डाल के इमेज सर्च करना, ठीक है, तो आपको तुरंत वो मैप दिख जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में कौन से पार्ट आते हैं नीचे साउथ अमेरिका तक लैटिन वाले, ठीक है। चलो, नॉर्डिक मीन्स होता है नॉर्थ, उत्तर, तो वो नॉर्मली बोलेगा, ये बोला नॉर्थ यूरोप की जगह आप नॉर्डिक यूरोप बोल दो, नॉर्डिक कंट्री, वही वैसे एक रीजन, जैसे जैसे हम स्कैंडिनेवियन पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रीनलैंड एक में ले रहे हैं, एक में ग्रीनलैंड नहीं ले रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, नहीं तो यहीं परेशान होते रहेंगे हम लोग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जर्मनी, फटाफट तेजी में जर्मनी पढ़ना है, कैपिटल बताओ, कैपिटल बताएंगे जर्मनी का, जर्मनी का कैपिटल, हाँ कठिन नहीं है इतना, आसान है, चलिए वेरी गुड। अब पहला काम आपको ये करना है कि जर्मनी से कितने देश लग रहे हैं, पहले तो मैं आपको मैप में दिखा दूं तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक देखना पोलैंड दिखाई देगा सबको, लो इधर देखो जल्दी मैप में, फिर बाद में आपने मैप में देख लेना, जर्मनी से पोलैंड लग रहा है, जर्मनी से चेक रिपब्लिक लग रहा है, पोलैंड की कैपिटल देखना जरा एक बार, पोलैंड की कैपिटल देखना एक बार, वॉरसॉ, दैट यू सॉ वॉर इन पोलैंड, वॉरसॉ, वॉर देखा पोलैंड में, ऐसे याद रखो। प्राग कैपिटल किसकी, चेक रिपब्लिक की, ऑस्ट्रिया, ठीक है नेक्स्ट याद रखें, ऑस्ट्रिया भूलना नहीं, ऑस्ट्रिया को वियना याद रखना है, ठीक है नेक्स्ट, इसके बाद वियना, ऑस्ट्रिया, वियना अच्छे से याद कर लीजिएगा, अभी अपन इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बर्न, ठीक है, फ्रांस पेरिस, फ्रांस पेरिस के बाद इधर जर्मनी,
इधर भी लगेगा आपका लग्जमबर्ग, एक लग्जमबर्ग भी लग रहा है, ये लग्जमबर्ग भी दिखाई देगा। नेक्स्ट बेल्जियम, बेल्जियम के साथ लगेगा ब्रसेल्स, बेल्जियम के साथ जो लगेगा वो लगेगा ब्रसेल्स, ठीक है। उसके बाद में नीदरलैंड, एम्स्टरडैम, बहुत सारे देश हैं पिछले एग्जाम में आता है, जिनको याद नहीं हुए इधर देखेंगे, पोलैंड, ठीक है, वॉर्सो कैपिटल, चेक रिपब्लिक, याद रखो इसको, इसको मतलब जैसे मैं बनाऊं तो याद रखो कि अच्छा सर इसके बाद ये बना रहे हैं, इसके बाद ये बना रहे हैं, सर इसके बाद ये बना रहे हैं, फिर इसके बाद ये बना रहे हैं, थोड़ा याद करो तब होगा याद, ऐसे नहीं होगा, नहीं तो ऐसे बैठने से ना सिर्फ ऐसे जो है नींद आएगी और कुछ नहीं आएगा, और पीछे होते जाओगे जो है। तो ऐसे बैठे तो हो ठीक है, पर थोड़ा सा ये भी याद रखो कि जो है पोलैंड का सर चेक रिपब्लिक बता रहे हैं, इसके बाद ये बता रहे हैं, इसके बाद ये बता रहे हैं, ठीक है। तो पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इसके बाद सर ने बताया ऑस्ट्रिया, वियना, ऑस्ट्रिया के बाद स्विट्जरलैंड, बर्न, बर्न कैपिटल होगी इसकी, स्विट्जरलैंड के बाद जो है आपका फ्रांस, पेरिस वाली कहानी, फिर लग्जमबर्ग, लक्स वाला लग्जमबर्ग, बेल्जियम, बेल्जियम, और इधर ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज नीदरलैंड, एक बार और चेक कर लेते हैं घुमा के, इधर से सबसे पहले नीदरलैंड, बेल्जियम पढ़ लो, बेल्जियम के बाद लग्जमबर्ग पढ़ लीजिए, फिर फ्रांस पढ़ लीजिएगा, फिर स्विट्जरलैंड पढ़ लेना, ऑस्ट्रिया पढ़ लेना, फिर उसके बाद जी हाँ जल्दी से चेक रिपब्लिक, पोलैंड, कितनी हो गई, 9 कंट्रीज हो गई क्या? अब अचानक एक क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आफ्टर ऑल ऊपर तो डेनमार्क को नहीं भूलना है, डेनमार्क तो रह गई ये, ठीक है। लग्जेमबर्ग की कैपिटल लग्जेमबर्ग ही होगा, ठीक है। लिंचेस्टिन को नहीं रखना है प्रसून श्रीवास्तव जी, लिंचेस्टिन डबल लैंडलॉक कंट्री बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड के बीच में, जर्मनी से ऐसे फिजिकल बाउंड्री शेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर दो आप, तो यदि ये जर्मनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन्थ नंबर का कौन है बताओ, नाइन्थ नंबर का कौन सा था? नीदरलैंड में एम्स्टरडेम में जाओगे, एम्स्टरडेम, ठीक है, नीदरलैंड का जो कैपिटल होगा एम्स्टरडेम होगा, और क्या कौन किसको क्या डाउट आ रहा है? बेल्जियम ब्रुसेल्स, ठीक है ओके समझ गए, चेक रिपब्लिक है। ये बताना जरा फिफ्थ नंबर का क्या होना चाहिए, फिफ्थ सिक्स सेवन तीनों बता दो, तीनों में कंफ्यूजन होगा नहीं तो। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश। तो ये तीन जो थे अपने क्या थे, लग्जमबर्ग था, बेल्जियम था, और ये वाला एक अपना इधर नीदरलैंड था, हो गए याद, हो गए अब नहीं भूलना। और अचानक अब ये दिया जाए कि हंगरी शेयर्स इट्स बाउंड्री विद जर्मनी, जर्मनी तब फिर मतलब नॉर्मली क्वेश्चन वो पूछ ले आपसे कि भैया हंगरी जो है वो जर्मनी से बाउंड्री शेयर करता है, तब हो गया काम, फिर तो तुरंत बाहर निकल आएगा। इटली शेयर करता है, गलत है, स्पेन शेयर करता है, गलत है, और बोलो यूके, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, स्लोवाकिया दोनों हाथों से नहीं करेगा, लिथुआनिया, लातविया, कुछ भी बोलता रहे वो एग्जाम में, जो लग रहा है वो याद करो, बाकी फिर सामने जो गलत चीजें हैं वो सामने दिखाई देंगी बिल्कुल, ठीक है भैया, डन, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस मार्क कर लो, जैसे
बेल्जियम में एंटवर्प को मार्क कर लीजिएगा यदि हो तो, नहीं हो तो लिख लीजिएगा। डायमंड ट्रेडिंग के लिए बड़ा फेमस शहर है ये, ठीक है, डायमंड ट्रेडिंग के लिए बड़ा फेमस रीजन रहेगा आपका ये एंटवर्प। नेक्स्ट आपको जरा सभी लोगों को एटलस में देखना होगा, एक प्लेस मिलेगा एसएन करके, एसएन में एक प्लेस याद रखना है, रोहर वैली, रोहर वैली याद रखना है आप सभी लोगों को। ये जूम कर देता हूँ मैं, जर्मनी में एक प्लेस देखना है सभी लोगों को एसएन, एसएन में वहां नजदीक में रोहर वैली को याद रखना है, महत्वपूर्ण है क्योंकि रोहर वैली दुनिया के सबसे बेस्ट कोल रीजन, कोयले क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। लक्जमबर्ग बहुत छोटा है, ऐसे दिखेगा नहीं, देखें ये मार्क यहाँ पे दिखेगा एकदम, यहाँ पे लक्स लिखा हुआ है, ठीक है। सो रूहर वैली में आपको जो देखने को याद रखना है दैट इज एसएन, भूलना मत, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में नीचे एक फ्रैंकफर्ट शहर मिलेगा, फ्रैंकफर्ट शहर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, भूलना मत। फ्रैंकफर्ट इज फेमस फॉर व्हाट, फ्रैंकफर्ट क्यों फेमस है? यस, बेस्ट क्वालिटी कोल जो होगा वो एंथ्रेसाइट मिलेगा यहाँ पे, और फ्रैंकफर्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहेगा यहाँ का। और नीचे एक म्यूनिक मिलेगा, म्यूनिक शहर मिलेगा, फ्रैंकफर्ट के साथ एक म्यूनिक शहर मिलेगा। वॉट इज म्यूनिक, MUNICH, म्यूनिक का क्या होगा? भाई सिंपल है, म्यूनिक जो है, म्यूनिक फेमस है वॉच इंडस्ट्रीज के लिए। नो, फिर किसके लिए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। यदि कोई गिटार खरीदा आपने, उसमें लिखा है मेड इन म्यूनिक, मतलब वो बहुत अच्छी जगह से आया है बन के, मतलब ये कि म्यूनिक दुनिया में काफ़ी अच्छे वाद्य यंत्र जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बनाता है, ठीक है, याद रखना। तो कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, एसएन याद रखेंगे, रूहर वैली याद रखेंगे, फ्रैंकफर्ट याद रखेंगे, म्यूनिक याद रखेंगे, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक प्लेस आप प्लीज सर्च कर लीजिएगा, आपको मिलेगा ज्यूरिक, दैट ज्यूरिक वर्ड इज रिलेटेड विद वॉच क्लॉक्स, ठीक है। सो वॉच जो है वो ज्यूरिक है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए म्यूनिक है, ठीक, आ गई बात समझ में। ऑटोमोबाइल तो है ही जर्मनी में, बाकी उसके पहले हम लोग इधर ट्यूरिन वगैरह इटली में पढ़ेंगे ना, तो वो ज़्यादा फेमस है इनसे ज़्यादा। फ्रैंकफर्ट नॉर्मली आप बड़ा शहर है, ट्रेडिंग सेंटर है, इस तरह से आप याद रखें। इसके बाद एक चीज़ और पढ़नी है आपको, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे, एक प्लेस और आपको याद रखना है एंड दैट इज़ हमबर्ग प्लेस। एक शहर और दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को, हमबर्ग, ऊपर जर्मनी में एक रिवर है, कौन बताएगा हमबर्ग जो है किस नदी पर स्थित है? कोई बताएं मुझे, ऐसा लग रहा कि जो हमबर्ग है वो किस रिवर पर लोकेटेड है? यस, गुड, वेरी गुड, एल्बे रिवर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, ELBE, एल्बे रिवर, एल्बे रिवर दिखाई दे रही होगी सभी लोगों को, शाबाश। ज्यूरिक, ज्यूरिक इज फेमस फॉर वॉच एंड क्लॉक्स इंडस्ट्री, और हमबर्ग को याद रखेंगे, हमबर्ग फेमस है, एक जर्मनी का रिवराइन पोर्ट, नदी पर पोर्ट है, एल्बे रिवर से मतलब ट्रेडिंग के लिए काम आता है ये प्लेस भी बहुत ज़्यादा, पोर्ट, रिवर, नदियों पे, जैसे अपने यहाँ हुगली, नहीं सुने हो आप हुगली रिवर पे, कोलकाता कैसे है वैसे, कोलकाता की तरह है मतलब, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद हो गया होगा, तो कितने प्लेस मैंने पढ़ा दिए आपको जर्मनी में, हमबर्ग याद रखेंगे, एसेन याद रखेंगे, रूहर वैली याद रखना है दोनों कंबाइंड, प्लस आपको जो है उसका कैपिटल बर्लिन तो याद रखना ही है, उसके साथ जो है म्यूनिक याद रखना है, फ्रैंकफर्ट याद रखना है, स्विट्जरलैंड में आपको ज्यूरिक बताया मैंने, ज्यूरिक में क्या याद रखोगे, वॉच क्लॉक याद रखना, एंटवर्प कहाँ बताया है मैंने, एंटवर्प जो बताया है वो बताया था मैंने एंटवर्प, हाँ बिल्कुल,
ठीक है। और स्कैंडिनेवियन रीजन में क्या करोगे? ठीक, इटली में आ जाओ जरा जल्दी से। इटली में जैसे ही आएंगे, इटली का कैपिटल तो पता है आपको, रोम है ना। टिबेर रिवर के किनारे मिलेगा, एक नदी होगी वहां, टिबेर रिवर। चलो, उसके बाद रोम के नीचे एक प्लेस मिलेगा नेपल्स करके, आप लोगों को नेपल्स, बूट शेप कंट्री जो दिखाई दे रही है, एक नेपल वर्ड मिलेगा आपको, नेपल्स। रोम के नीचे नेपल इंपॉर्टेंट पोर्ट है इटली का, ठीक है, पोर्ट ट्रेडिंग करने के लिए। इसके बाद में एक प्लेस और मार्क करना है इटली का आपको, ट्यूरिन, महत्वपूर्ण ट्यूरिन। ट्यूरिन प्लेस क्यों याद रखना है? ट्यूरिन इसलिए याद रखना है, इम्पॉर्टेंट ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल रीजन के लिए, मतलब डेट्रॉइट ऑफ इटली भी कहते हैं इसको हम लोग, डेट्रॉइट ऑफ इटली, ठीक है। क्यों कार्स बनती हैं यहाँ पे? इसलिए स्वचालित वाहन, डेट्रॉइट ऑफ इटली, ट्यूरिन, रोम कैपिटल, नेपल्स इंपॉर्टेंट पोर्ट। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। ट्यूरिन हो गया, रोम हो गया, इटली हो गया, ये हो गया, ये सब याद रखिएगा। नेपल्स को याद रखना है, पोर्ट है। और सिसिली, सिसिली आइलैंड, ये भैया आइलैंड याद रखना है इटली का, ये इटली का एक आइलैंड है जो अपने को याद रखना है, नाम है इसका सिसिली। सिसिली आइलैंड याद रखेंगे इटली का। और एक आइलैंड और याद रखेंगे, सार्डिनिया। सो कभी कोई पूछ ले कि सिसिली एंड सार्डिनिया दोनों आइलैंड किसके हैं, तो सिसिली एंड सार्डिनिया जो हैं किसके हैं? इटली के हैं। ट्यूरिन ऑटोमोबाइल, रोम जो है कैपिटल, नेपल्स पोर्ट, सिसिली सार्डिनिया आइलैंड, ठीक है। ये मिलान भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, फैशन हब है यहाँ का पूरा इटली का, ठीक है। मिलान प्लेस वहीं मिलेगा, नॉर्थ इटली में देखना भैया, नीचे कहीं मत ढूंढना, पॉलिटिकल मैप में भी मिलेगा, नहीं तो फिजिकल में जाके ढूंढ रहे हो, फिर फिजिकल में नहीं मिलना कुछ, ठीक है जी। हाँ तो सार्डिनिया मेनलैंड नहीं है, लेकिन याद तो रखना आइलैंड, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। इसीलिए कह रहा हूं मैं, और सिसिली को याद रखें। इधर ऊपर आना है, हमने जर्मनी पढ़ लिया है इधर, ये इससे लगे हुए देशों के बारे में सीखा, मतलब अगली क्लास जब होगी तो इनको अच्छे से याद करके आना है। एक बार पूछूंगा मैं, अगली क्लास सैटरडे को है हमारी, TTS में होती है क्लास, 4:30 से 5:30 से 5:30 के आसपास, तो करीब 4:25, 4:26, 4:27 में आ ही जाता हूँ, 1-2 मिनट पहले ही आ जाता हूँ, ठीक है। वेनिस यही मिलेगा आप ऊपर, इटली और नॉर्थ, ठीक है। तो ये कंट्रीज की थोड़ी कैपिटल, कौन किससे कनेक्टेड है, जर्मनी को अच्छे से पढ़ लेना, इटली को पढ़ लेना। ऊपर जो है इससे कनेक्टेड कौन कौन है, और ऊपर डेनमार्क वगैरह है, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अगली क्लास जो होगी मैं लैंडलॉक से शुरू करूंगा, ये भीड़ को ख़त्म करना है अगली क्लास में। तैयार होके आइएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज हैं याद नहीं होती, हम इनको याद कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो एटलस आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट वाला लीजिएगा, स्कूल वाला नहीं, स्टूडेंट वाला, ठीक है। और अनएकेडमी पर 12:30 बजे डेली क्लास हो रही है मेरी, स्पेशल क्लास, ज्वाइन करें, ठीक है, क्लासेस लें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, कुछ भी डाउट हो मैं हूँ ही उसी के लिए। और उसके बाद ज्योग्राफी को बेस्ट बना सकते हैं आप मेरे साथ, बस कंटिन्यू 2-3 महीने क्लासेस कंटिन्यू देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें आप कवर करते चलेंगे। बाकी कंप्लीट कोर्सेज के लिए आपको अपने सिलेबस को कवर करने के लिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ यदि तैयारी करनी है, तो आप बिल्कुल अनअकैडमी प्लस की ओर बढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है अनलिमिटेड लर्निंग के लिए। आप लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास सब देख सकते हैं, अनलिमिटेड कोर्सेज, और ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के तहत, मतलब कंपेरिजन यदि करें ऑफलाइन क्लासेस से, तो आपको 2 साल के लिए मतलब 64,000 में जितना भी अपडेटेड कोर्स आने वाले हैं आगे, पुराने नए सब पढ़ सकते हैं आप।
ये एक मेरा डिस्काउंट कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% ऑफ ले सकते हैं। SUDYT है, स्टडी नहीं लिखा है ये, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। हाँ तो SUDYT10, यूट्यूब वाला YT लिखा है और सुदर्शन वाला SUD लिखा है। चलिए थैंक यू सो मच, हंगरी वगैरह से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल, और मेरी एक टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सुदर्शन गुर्जर CSE गाइड। तो वहाँ पर जो है आप मेरी आने वाली क्लासेस के लिंक ले सकते हैं, बाकी हर जगह मैं लगभग एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जहाँ भी हैं। तो पढ़ना है बस आपको, डेली क्लास में आना है। टाइमिंग मेरी जो क्लास है 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब पे TTS में, और मॉर्निंग में यदि देखें हम लोग तो 12:30 बजे से डेली क्लास है अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।